नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। हम शुरुआत कर रहे हैं आज की एक बड़ी खबर से, जो कि सनातन धर्म पर डीएमके के नेताओं की टिप्पणी से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट तक यह मामला पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, इसमें कि तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन और सांसद ए राजा की जो टिप्पणियां हैं, इन पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। ये कहा गया है कि इस मामले में FIR दर्ज करने का निर्देश दिया जाए और कार्रवाई आगे की जाए। वकील हैं विनीत जिंदल, उन्होंने सनातन धर्म के खिलाफ नफरती भाषण के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की है। आपको बता दें कि उदयनिधि स्टालिन और सांसद ए राजा ने सनातन धर्म को बीमारी कहा है और इसे खत्म करने की बात कही है। हमारे सहयोगी आशीष भार्गव हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए। आशीष, और क्या कहा गया है इस याचिका में? जी देखिये, ये याचिका हेट स्पीच जो मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट लगातार सुनवाई कर रहा है, उसी में ये अर्जी दाखिल की गई है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले आदेश जारी किए थे कि अगर कोई भी हेट स्पीच देता है किसी तरह की, तो पुलिस को शिकायत का इंतजार नहीं होना चाहिए और पुलिस स्वतः संज्ञान लेकर FIR दर्ज करे और आगे कार्रवाई करे, जिस तरीके के आदेश 2018 में गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने जारी की थी तहसीन पूनावाला केस में, जिसमें हेट क्राइम हेट स्पीच को लेकर एक लंबी चौड़ी गाइडलाइन थी, उसके मुताबिक आगे कार्रवाई करे। तो यहाँ पर विनीत जिंदल पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने ये कहा है कि पुलिस जो है वो कार्रवाई करने में नाकाम रही है, इसलिए अवमानना की कार्रवाई पुलिस पर की जाए, ना सिर्फ चेन्नई के पुलिस कमिश्नर पर बल्कि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर पर भी। उन्होंने शिकायत भी दिल्ली पुलिस में दर्ज कराई है इस मुद्दे को लेकर, और वो ये भी कह रहे हैं कि FIR उनके खिलाफ दर्ज होनी चाहिए और कानून के मुताबिक कार्रवाई दोनों के खिलाफ आगे होनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर उन्होंने ये अर्जी जरूर दाखिल की है, हो सकता है सोमवार को इस मामले में वो जल्द सुनवाई की मांग भी सुप्रीम कोर्ट के सामने करें या सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई भी हो जाए। तो हेट स्पीच मामले की कड़ी में एक और ये अर्जी दाखिल हो गई है। बहुत सारे मामले चल रहे हैं, उसमें नो हिंसा भी शामिल है, धर्म संसद वाले मामले भी शामिल हैं, तो ये एक और मामला है जो अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जी जी, शुक्रिया आपका आशीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे से आशीष जानकारी दे रहे हैं कि जिस तरह के बयान आए हैं सनातन धर्म के बारे में डीएमके नेताओं की ओर से, उस पर कार्रवाई करने के लिए FIR दर्ज करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। संभावना है कि इस पर सोमवार को आगे चर्चा हो, आगे बात हो कि आगे किस तरह की कार्रवाई होनी है। और आपको बता दें, कल ही मंत्रिपरिषद की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि उदयनिधि स्टालिन का जो बयान आया है इसका ठीक से जवाब दिया जाए। इसके बाद आज कई मंत्रियों और सांसदों की इस मामले में प्रतिक्रिया आई है, एक एक करके सुन लेते हैं। आज कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे सनातन धर्म को चुनौती देते हैं कि नेस्तो नाबूद कर देंगे। आज अगर यहाँ का वो नजारा देखते तो उन्हें समझ आता कि प्रभु जो कहते हैं संभवामी युगे युगे, ये वो भक्त हैं जो हर युग में धर्म को, आस्था को और आस्था के हर प्रतीक को जीवित रखते हैं। श्रीमान राहुल गांधी जी की नफरत की दुकान में जो नफरती समान है वे घमंडिया गठबंधन के नेता बेच रहे हैं, एक के बाद दूसरा हिंदू समाज को, हिंदू धर्म को और सनातन धर्म को अपमानित करने का कार्य कर रहे हैं। ये देश कभी स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि श्रीमान राहुल गांधी कहाँ सो रहे हैं? जागिए राहुल जी, ये नफरत का बाजार जो आप फैला रहे हैं, देश से माफी मांगने का समय आया है। आप देश को बताइए, क्या इनके बयानों से आप सहमत हैं? क्या घमंडिया गठबंधन के नेताओं को देश से माफी नहीं मांगनी चाहिए? और कांग्रेस का हाथ इस नफरती नेताओं के साथ क्यों है? तो यहां पर जी परमेश्वर ने भी उसी तरह का बात किया। हां, सभी कांग्रेस पार्टी को ऊपर से निर्देश है कि आप अपीजमेंट को देखते हुए, वोट बैंक, माइनॉरिटी वोट बैंक, अल्पसंख्यक वोट बैंक देखते नजर रखते हुए आपको आपका आचरण, व्यवहार और स्टेटमेंट रहना चाहिए। कांग्रेस का ऊपर का निर्देश है सभी उनके स्टेट यूनिट को, इसलिए सब लोग ऐसे बोल रहे हैं। लोग संविधान को बचाने की बात करते हैं ना, तो इनसे मैं एक ही सवाल पूछता हूं, जरा संविधान पढ़ लो कि सनातन को संविधान में भी सम्मान मिला है। इन लोगों को ना भारत की विरासत की समझ है, ना भारत की संस्कृति की समझ है, ना भारत के संस्कार की समझ है। बस सियासत कुर्सी रहे। फिर कहूंगा ऐसे लोगों को, सनातन को तो मुगल और इस्लामिक कट्टरवादी समाप्त कर नहीं सके, ब्रिटिश गुलामी करने वाले समाप्त कर नहीं सके, इन लोगों की क्या बिसात है।
तो G20 समिट की मेजबानी के लिए दिल्ली पूरी तरह से तैयार है। मेहमानों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इन खास मेहमानों में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी हैं, जो कल दिल्ली पहुंचने वाले हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद बाइडेन का यह पहला भारत दौरा है। प्रधानमंत्री कार्यालय सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से द्विपक्षीय बातचीत कल होगी। इसके अलावा बांग्लादेश और मॉरिशस के नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बातचीत की संभावना है। और दिल्ली में 9 से 10 सितंबर तक होने वाली G20 समिट की सुरक्षा के लिए सेना को भी तैनात किया गया है। सेना का बम विरोधी दस्ता सक्रिय रहेगा। विस्फोटक पकड़ने वाली डॉग यूनिट भी तैनात की गई है। इसके अलावा सेना का काउंटर ड्रोन सिस्टम भी अपना काम करता रहेगा। बम को नाकाम करने वाले ऐसे करीब 20 दस्ते G20 के कार्यक्रम स्थलों पर तैनात हैं। उनके पास रोबोटिक उपकरण भी हैं। इनके साथ प्रशिक्षित डॉग भी हैं, जो IED सूंघ सकते हैं। ऐसे करीब 16 यूनिट लगी हैं। G20 के दौरान सेना के इन दस्तों का काम किसी साजिश को नाकाम करना है। सर, हमारे पास इनफैक्ट आईडी के सभी इक्विपमेंट्स हैं जो एडवांस टेक्नोलॉजी से लेस हैं, और जो ईडी डॉग्स हैं दे आर वेरी क्वालिफाइड। ये कोई भी सस्पेक्टेड एक्सप्लोजिव, अगर प्रेजेंस ऑफ एक्सप्लोजिव जो है उसको वो किसी भी परिस्थिति में वो डिटेक्ट कर सकती है। बम निरोधक दस्ते और डॉग यूनिट के अलावा सेना का ड्रोन निरोधी सिस्टम भी तैनात है। इसमें लगे उपकरण G20 आयोजन स्थल पर किसी हवाई हमले का अंदेशा खत्म करने वाले हैं। थल सेना की एयर डिफेंस गन भी तैनात है। इस मीटिंग के प्रोटेक्शन के लिए हवाई जहाज और ड्रोन्स और स्पेस से कोई भी किस्म का हमला या ग्राउंड की तरफ से कोई भी हमला के खिलाफ बहुत जबरदस्त सिस्टम अपनाया गया है जो हमारा फौज ने अख्तियार कर रखा है। इसके अलावा दिल्ली के 4 बड़े अस्पतालों में सेना की मेडिकल टीम 2400 घंटे तैनात रहेगी ताकि इमरजेंसी के दौरान लोगों की मदद की जा सके। साथ ही सेना ने दिल्ली पुलिस को ऐसे वाहन भी दिए हैं जो किसी जाम या गाड़ी बिगड़ने के हालात में मददगार हो सके। कुल मिलाकर करीब 3000 सैन्यकर्मी G20 की सुरक्षा में लगे हुए हैं। पुराना मुहावरा है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन दिल्ली को जिस तरह से एक दुर्ग में बदल दिया है उसे यही मुहावरा याद आता है। जाहिर है ऐसे अहम मौके पर सेना कैसे दूर रह सकती थी। नई दिल्ली से राजीव रंजन, NDTV इंडिया। G20 की बैठक में आने वाले राष्ट्राध्यक्षों के स्वागत का जिम्मा केंद्रीय राज्य मंत्रियों को सौंपा गया है। एयरपोर्ट पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की अगुवानी जनरल वीके सिंह करेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का स्वागत अश्विनी चौबे करेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति का स्वागत अनुप्रिया पटेल करने जा रही हैं। वहीं जर्मनी के चांसलर की अगुवानी भानु प्रताप सिंह करेंगे। राजीव चंद्रशेखर कनाडा के PM का स्वागत करेंगे, जबकि जनरल वीके सिंह चीन के प्रधानमंत्री का भी स्वागत करेंगे। UAE के क्राउन प्रिंस का स्वागत नित्यानंद राय करेंगे। ब्राजील के राष्ट्रपति का स्वागत भी वही करने जा रहे हैं। बांग्लादेश की PM का स्वागत दर्शना बेल जरदोश करेंगे। Co-presented by Dr. Ortho Ayurvedic Oil and Capsule. Ab dard bhi ghutne tekega. Co-powered by Ashri Presents Golden Grande, the big destination. Or Think Cladding, Think Alstone. State partner, Government of Uttar Pradesh. कश्मीर में आतंकवाद पर बड़े प्रहार की तैयारी हो रही है। सीमा पार बैठे आतंकियों की इस ओर पड़ी संपत्ति जब्त की जाएगी। ऐसे 4200 लोगों की सूची तैयार की गई है। आतंकियों को पनाह देने वाले भी इस कार्रवाई के जद में आएंगे। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर यह सबसे बड़ी चोट हो सकती है।
पुलिस का कहना है कि उन सैकड़ों आतंकियों की संपत्ति अटैच की जाएगी जो बीते 30 साल से पाक अधिकृत कश्मीर से काम कर रहे हैं। इस प्रक्रिया की शुरुआत पाकिस्तान के स्थानीय आतंकियों को भगोड़ा करार देने के साथ हुई है। जो मुल्क के, वतन के, कौम के, लोगों के गदार हैं, वो पाकिस्तान में जाकर के पनाह लेके बैठ गए, जहां पर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में पहले शामिल थे, अभी उस पार से बैठ के दहशतगर्दी को फरोख देने की कोशिशें करते हैं। उनका डाटा भी तैयार कर लिया गया है। चंद रोज पहले डोडा रेंज के अंदर ऐसे जो गदार लोग हैं उनके खिलाफ बड़ी सख्त कार्रवाई करी गई है, उनकी प्रॉपर्टीज की जब्ती, उनको भगौड़े करार देना। जम्मू कश्मीर पुलिस के खुफिया विंग ने 4,200 स्थानीय आतंकियों की सूची तैयार की है जो 1990 से पाक अधिकृत कश्मीर में है। सूत्रों के मुताबिक इनकी संपत्ति का ब्यूरो रेवेन्यू विभाग और रजिस्ट्रेशंस के आईजी के साथ साझा किया गया है ताकि कोई भी संपत्ति बेची या किसी और के नाम ना की जा सके। पुलिस उन लोगों की संपत्ति भी अटैच कर रही है जो इन्हें पनाह देते हैं। कभी आतंकवाद का गढ़ माने जाने वाले सोपोर में उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि वो आतंकियों को पनाह ना दे। हमारे प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता और आवाम से केवल एक अपेक्षा है कि ऐसे तत्वों को संरक्षण आप मत दीजिए, ऐसे तत्वों को प्रश्रय मत दीजिए, बाकी काम पुलिस और फोर्स के लोग कर लेंगे। 2010 में 300 से ज्यादा आतंकी सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति के तहत पीओके से भारत लौटे थे, लेकिन माना जाता है कि अब भी करीब 4,000 पाक अधिकृत कश्मीर में ही है। पुलिस का यह फैसला कि जो यहाँ के स्थानीय मिलिटेंट पीओके में हैं, उनकी संपत्ति को भी अब जब्त किया जाएगा। श्रीनगर से नजीर मसूदी, एनडीटीवी।